से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमारा कोलियस भी आता है। ऑर्नामेंटल वो चीज़ें या पौधे होते हैं जिनका वास्तव में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये हमारे गार्डन में चार चांद लगाते हैं और देखने वालों को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को थोड़ा सा समर में बचाना मुश्किल हो जाता है। प्लांट को हमने, ये कोलियस का प्लांट है, इसको हमने नवंबर में लगाया था और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इतने सारे बड़े बड़े पत्तियां इसकी हो गई। अब इसमें जो ये फूल निकलते हैं, इसको हम पिंचिंग कर देते हैं और पिंच करने के बाद ये बहुत बुशी सा हो जाता है। कुछ प्लांट्स को, ये जो छोटे छोटे हैं, इनको हमने जनवरी में लगाया है और जनवरी में कटिंग लगाई थी। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी मिट्टी जो है दोस्तों विल ड्रेन होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी है ये और बिल्कुल इसको गीला पसंद है, सूखी मिट्टी पसंद नहीं है इसको। ज़रा सा भी अगर इसकी मिट्टी सूख जाती है तो ये थोड़ा सा लटक सा जाता है और इसको बहुत तेज़ धूप भी नहीं पसंद। इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये चल जाते हैं। और हो सके तो नीचे टब में इसके पानी भी रख दें, नहीं तो मिट्टी को मॉइस्ट रखें हमेशा, ताकि इसके पत्ते लटकने ना पाए। दोस्तों, इसकी टाइम टाइम से पिंचिंग करते रहें और जब ये बहुत बड़ा हो जाए तो इसकी प्रूनिंग भी कर दें। प्रूनिंग करने से इसके नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। ये हमने नया प्लांट्स बना लिया, ये हमने नए प्लांट्स बना लिए, इसके हमने कई नए प्लांट्स इधर भी बना लिए, कई नए प्लांट्स इसके बन गए हैं। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, ये जो फ्लावर्स आते हैं, इसको भी आप पिंच करके फेंक दीजिए, ताकि इसके जो है तीन चार जगह से और बुशी बन जाएगी, इसकी पत्तियां हो जाएं। जब इसमें फ्लावर्स आ जाए तो इसकी पिंचिंग करते रहें और इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 प्रकार के कोलियस हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6-7 प्रकार के मेरे पास कोलियस हैं इस वक्त। और इसको हमने शेडी एरिया में रखा है, जहाँ से 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाती है। और धूप मिलने की वजह से ये पत्तियों का कलर भी निखर रहा है, ये सब पत्तियाँ भी चमकदार बन रही हैं। देखिए दोस्तों, ये सब पत्तियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पौधे पर वीडियो बनवाना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।